नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वार्षिक मूल्यांकन में कक्षा 1 से 4, 6, 7 और 9, 11 में जो अतिरिक्त विषय हैं कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, जीवन कौशल, पर्यावरण, इनका पूर्णांक क्या रहने वाला है। जो आपके बार बार हमारे को कमेंट आ रहे थे कि सर इनका पूर्णांक कितने का रहेगा, कितने नंबर देने हैं और नंबर देने हैं या ग्रेड देना है, और ग्रीन शीट और जो मार्कशीट है इसमें क्या क्या अंतर हैं, तो पूरी जानकारी लेकर मैं आपके सामने इस वीडियो में आया हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, एक आदेश जारी हुआ था। आदेश में था कि वार्षिक परीक्षा परिणाम की शाला दर्पण पर प्रविष्टि के संबंध में, जो वार्षिक परीक्षा परिणाम है उसकी आपको शाला दर्पण पर प्रविष्टि करनी है, उनके नंबरों की फीडिंग आपको शाला दर्पण पोर्टल पर करनी होगी। इसका वैसे तो मैंने कंप्लीट पहले भी एक वीडियो, पूरा वीडियो बनाया है, लेकिन आप लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो मैंने सोचा कि इसके लिए आपको पर्टिकुलर एक नया वीडियो बनाया जाए जिससे लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। तो देखिए, उपयुक्त विषय अंतर्गत लेके कि सत्र 2021-22 की कक्षा 1 से 4, 6 व 7 के लिए विद्यालय स्तर पर तथा कक्षा 9-11 हेतु वार्षिक परीक्षा का आयोजन समान परीक्षा व्यवस्था अंतर्गत 28-4-2022 से 11-5-2022 के मध्य किया जाना है। जो वार्षिक परीक्षा हैं, जो विद्यालय स्तर की परीक्षाएं हैं, वो 28-4-2022 से 11-5-2022 के मध्य किया जाना है और दिनांक 16-5-2022 को सत्र 2021-22 का अंतिम कार्य दिवस रहेगा। तत्पश्चात दिनांक 17-5-2022 से ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर नीचे निर्देश दिए गए हैं। देखिए, आप यहाँ पर देखिए, समस्त विद्यालयों के सभी विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम 16-5-2022 को घोषित किया जाना है। जो आपको परीक्षा परिणाम घोषित करना है वो 16 मई 2022 को कर देना है, क्योंकि 17 तारीख से आपके ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रारंभ हो जाएंगे। इससे पूर्व प्रभावी प्रबोधन करते हुए समस्त विद्यार्थियों के वार्षिक परीक्षा तक के प्राप्त अंकों की प्रविष्टि शाला दर्पण मॉड्यूल पर किया जाना सुनिश्चित करें। इसके पश्चात मॉड्यूल लॉक कर दिया जाएगा। उक्त दिनांक पश्चात यदि कोई विद्यार्थी शाला दर्पण मॉड्यूल पर अंक प्रविष्टि परिणाम से वंचित रहता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी, अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। कुल मिलाकर आपके जो नंबर है वार्षिक परीक्षा के, वो 16 मई से पहले ही आपको कंप्लीट है जो शाला दर्पण पोर्टल पर फीडिंग कर लेनी है, क्योंकि 16 मई 2022 को तो आपको रिजल्ट डिक्लेयर ही करना है और उसके बाद ग्रीष्म अवकाश लग जाएगा और यहाँ पर जो मॉड्यूल है वो लॉक भी कर दिया जाएगा। तो आपको जो परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि करनी है वो 16 मई से पहले कर ले, 16 मई को आपको रिजल्ट डिक्लेयर करना है। अब रही बात यहाँ पर अतिरिक्त विषय, जो कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, जीवन कौशल है, इनके पूर्णांक कितने नंबरों के होंगे और आपको कैसे जो है नंबर देने। तो देखिए, यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है इसका मैंने पहले भी कंप्लीट वीडियो बनाया था। तो देखिए, यहाँ पर अतिरिक्त विषयों यथा जैसे कला शिक्षा है, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा है, जीवन कौशल है, इत्यादि विषयों में विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा तक के कुल 100 अंकों में से, यहाँ पर देखिए 100 अंकों में से प्राप्त अंकों के आधार पर A+D तक ग्रेड दी जानी है। जो आपको ये अतिरिक्त विषय हैं कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, जीवन कौशल और कक्षा 1-2 में, जैसे मान लीजिए पर्यावरण भी अतिरिक्त विषय ही है, क्योंकि हिंदी, अंग्रेजी और गणित और जो संस्कृत विद्यालय उनमें संस्कृत उर्दू चलती हैं, बाकी जो अतिरिक्त विषय हैं जैसे पर्यावरण, तो उसके भी नंबर आपको फिट करने हैं, तो वो भी 100 नंबरों में से ही आपको करने हैं। तो यहाँ पर 100 अंकों का पूर्णांक आपका रहेगा। यहाँ पर देख के प्राप्त अंकों का प्रतिशत भी इनके लिए दिया हुआ है कि कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, जीवन कौशल में जो प्राप्त अंक हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सी ग्रेड आपको मिलनी होगी। तो देखिए, यहाँ पर प्राप्त अंकों का प्रतिशत है 0 से 40% अगर अंक हैं आप देते हैं तो यहाँ पर डी ग्रेड उसको माना जाएगा। 41 से 60% के बीच अगर नंबर आते हैं तो उसको सी ग्रेड, और 61 से 75% के बीच आते हैं तो बी ग्रेड, और 76 से 90% के मध्य आते हैं तो यहाँ पर ए ग्रेड, और 91 से 100% के बाद जो नंबर आते हैं उनके बीच में नंबर आते हैं तो यहाँ पर देखिए A+ ग्रेड उसको दी जाएगी। यहाँ पर कुछ जानकारी दे रखी है, विशेष रूप से ध्यान दें, यदि कोई विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में इन विषयों में अनुपस्थित हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो अतिरिक्त विषय हैं इनमें अगर कोई विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, वो एब्सेंट हैं, तो यहाँ पर देखिए परंतु अन्य विषयों में उत्तीर्ण हैं, यहाँ पर और विषय हैं उसमें वो उत्तीर्ण हैं, तो विद्यार्थी को डी श्रेणी मानकर उत्तीर्ण कर दिया जाएगा। जो अतिरिक्त विषय हैं उसमें उसको उत्तीर्ण मानकर यहाँ पर डी श्रेणी में उत्तीर्ण माना जाएगा और उसको पास भी यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो अतिरिक्त विषय हैं जैसे कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, जीवन कौशल, इनके आपको जो पूर्णांक रखने हैं वो 100 अंकों के रखने हैं। अब दोस्तों, रही बात जब आप नंबरों की फीडिंग कर रहे हो तो
तो वहाँ पर आपको नंबरों की फीडिंग करनी है या ग्रेड की फीडिंग करनी है, तो मैं आपको बता दूँ वहाँ पर आपको सिर्फ अंकों की जो है अंक हैं उसकी ही फीडिंग करनी है, ग्रेड की यहाँ पर आपको फीडिंग नहीं करनी है। देखिए मैं आपको यहाँ पर ग्रीन शीट और जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको भी बता देता हूँ। देखिए तो देखें यहाँ पर जो स्टूडेंट की ग्रीन शीट है, यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन राजस्थान ग्रीन शीट, यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन शीट यहाँ पर दी हुई है। अब यहाँ पर देखिए ग्रीन शीट में जो नंबर हैं यहाँ पर देखिए फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, हाफ ईयरली और एनुअल एग्ज़ाम, ये क्या है यहाँ पर पूरी पीडीएफ एक साथ नहीं है, तो यहाँ पर एनुअल एग्ज़ाम का जो कॉलम है वो साइड में है। और यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट दे रखे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, और यहाँ पर देखिए हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है, आर्ट एजुकेशन है, एस यू पी डब्ल्यू ई वी एस, यहाँ पर अतिरिक्त सब्जेक्ट भी दे रखे हैं। जो ग्रीन शीट है इसमें आपको जो नंबर हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे पोर्टफोलियो ओरल, जैसे यहाँ पर फर्स्ट टेस्ट में ओनली जो रिटर्न एग्जाम था उनके ही नंबर देने हैं, वैसे भी सेकेंड में भी ऐसे ही देना था, और हाफ ईयरली में यहाँ पर पोर्टफोलियो ओरल और जो रिटर्न मार्क्स हैं उनको भी यहाँ पर देना था। तो इसी प्रकार यहाँ पर नंबर शो हो जाते हैं ग्रीन शीट में, और यहाँ पर देखिए जो अतिरिक्त सब्जेक्ट है उनमें भी यहाँ पर नंबर शो हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको ग्रेड यहाँ पर देनी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको नंबरों की फीडिंग करनी है, आप देख सकते हैं। अब जो प्रोग्रेस रिपोर्टें हैं वहाँ पर मैं भी आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार आपको वो मिलेगी और ग्रीन शीट आपको किस प्रकार मिलने वाली है। ये तो होती है यहाँ पर ग्रीन शीट जिसमें आपको सिर्फ नंबर जो स्टूडेंट के मार्क्स आपने दिए हैं वो मार्क्स से आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड हैं, जो मार्कशीट हैं वो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन राजस्थान गवर्नमेंट स्कूल जो आपकी हैं वो उसके यहाँ पर NICID नंबर भी दे रखे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट की पूरी डिटेल दे रखी है। यहाँ पर सेशन देख सकते हैं आप 21-22 का। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट की जो आपने मास्क दिए थे जो ग्रीन शीट में मैंने आपको बताया, और उसी स्टूडेंट के यहाँ पर आप देखिए जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसमें ग्रेड आ चुकी हैं ऑटोमेटिक। देखिए यहाँ पर सारा सिस्टम, देखिए सब्जेक्ट दे रखे हैं यहाँ पर, ग्रेड दे रखी हैं, अदर सब्जेक्ट हैं उनकी ग्रेड है, और रिजल्ट टोटल क्या है यहाँ पर नीचे क्लास टीचर साइन है, एग्जाम इंचार्ज के साइन है, और प्रिंसिपल हेड मास्टर की भी यहाँ पर साइन दे रखे हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पर रिजल्ट डेट भी आ जाएगी जैसे UC होगी 16 तारीख जो भी होगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं सेशन 21-22 में जो ग्रेड है वो हिंदी में देखिए, इंग्लिश में, मैथ्स में, और जितनी भी ग्रेड है टोटल ग्रेड भी यहाँ पर दे रखी हैं। इसी प्रकार अदर सब्जेक्ट हैं जो आपने नंबरों की फीडिंग वहाँ पर की हैं वो ग्रेड में कन्वर्ट होकर यहाँ पर आ चुकी हैं, जितने भी नंबर आपने दिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्रेड आ जाएगी, जो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि कितने जो नंबर है उनकी ग्रेड किस प्रकार रहने वाली है। ऐसे आर्ट एजुकेशन है, EVS हैं, और SU PW हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी के साइन हो जाएंगे, रिजल्ट डेटा यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे भी फॉर्मूला दे रखा है, ग्रेड फॉर मेन सब्जेक्ट और ग्रेड फॉर अदर सब्जेक्ट। जो अदर सब्जेक्ट का फॉर्मूला है मैंने आपको आदेश में बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पर जो अदर सब्जेक्ट का है, A+ कब आपको देनी है, जब यहाँ पर 91 से 100% के बीच मार्क्स होंगे तो A+ होगी, ए यहाँ पर 76 से 90% के मध्य होगी, बी यहाँ पर 61 से 75 के मध्य होगी, और जो सी ग्रेड है वो 41 से 60 के मध्य होगी, और डी ग्रेड 0 से जो 40% है उसके मध्य होगी। वैसे ही यहाँ पर देखिए मेन सब्जेक्ट जो हैं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण जो मेन सब्जेक्ट हैं उनकी यहाँ पर क्या कैसे ग्रेड रहने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर 86 से 100% के बीच में नंबर आते हैं तो ए ग्रेड रहेगी, बी के लिए यहाँ पर 71 से 85% मार्क्स होने चाहिए, सी के लिए यहाँ पर 51 से 70% के मध्य मार्क्स होने चाहिए, और डी में यहाँ पर देखिए 31 से 50% के मध्य मार्क्स होने चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर ई में देखिए 0 से 30% के मध्य यहाँ पर मार्क्स होंगे, तब जाके ई ग्रेड यहाँ पर आएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर जो नंबरिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेड मिलेगी, वो आपको यहाँ पर जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसमें मिल जाएगी। इस प्रकार देखिए यहाँ पर जो भी नंबर आपने दिए होंगे वो ग्रेड यहाँ पर आ जाएगी। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर अतिरिक्त जो विषय हैं, कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, इनमें आपको नंबर कितने देने हैं, कितने में से कितने देने हैं, ग्रेडिंग किस प्रकार होगी, प्रोग्रेस रिपोर्ट किस प्रकार होगी, और जो ग्रीन मार्कशीट है वो किस प्रकार होगी, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।